नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. डिटरमाइन वेदर द ट्राइंगल हुज लेंथ्स ऑफ साइड्स आर 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल. पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एंड वाइस वर्सा. कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी. अब हाइपोटेन्यूज क्या है, दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल और बाकी दो परपेंडिकुलर और बेस होंगी. तो हमें लॉन्गेस्ट साइड क्या है, 5. अगर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16. अगर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के इक्वल आता है, 9 प्लस 16 25 इक्वल है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई. सो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम this is right angled triangle. This is right angled triangle. Pythagoras क्या कहती है कि अगर triangle right angled है तो ये condition satisfy होगी कि hypotenuse square perpendicular square plus base square. तो converse क्या हो गया उसका उल्टा, कि अगर ये condition satisfy होती है तो जो गिवन ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी. राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स उसका ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री होगा. क्लियर. हमने तीनों साइड्स का स्क्वायर किया, लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है. नेक्स्ट करेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी. सी पे 90 डिग्री एंगल दिया है, राइट एंगल है. तो इफ एसी इज 5, बीसी इज 12, फाइंड द लेंथ एबी. ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज होती है लॉन्गेस्ट साइड, जो कि हमें फिगर से भी दिख रही है, ए सी. परपेंडिकुलर होता है जिसपे 90 डिग्री एंगल बना है, डेट इज ए सी. और बेस नीचे वाली साइड आ गई, बी सी. एंगल बेस और परपेंडिकुलर के सामने ही होगा. तो यही आ गया हमारे पास जो दिख रहा है हमें, 90 डिग्री कौन सी साइड दिख रही है, परपेंडिकुलर. एल्टीट्यूड यही दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन. तो एसी और बेस हो गया बीसी. एसी हमें गिवन है 5, बीसी हमें गिवन है 12. 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144, सो 169 एसी स्क्वायर. हमें एसी की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे यहाँ आएगा स्क्वायर रूट. अब आपको अगर स्क्वायर याद है तो 169 इज स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर होता है. तो एसी हमारे पास आ गया 13 सेंटीमीटर. आप चाहो तो इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हो. फैक्टर्स 13 पे जाएगा, 13 वंस आर 30, 13 3 और 9 39, 13 3 आर 39. तो हमारे पास स्क्वायर रूट में से दो फैक्टर सेम होंगे तो एक फैक्टर कॉमन आएगा. इसका स्क्वायर मींस ये हो गया 13 स्क्वायर, 13 दो बार, स्क्वायर रूट मींस पावर 1/2, ये कैंसिल हो जाता है तो आया 13 सेंटीमीटर. क्लियर. अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा. तो एसी हमें फाइंड करना है, 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर 169, इसके हमने फैक्टर्स फाइंड किए 13 × 13. स्क्वायर रूट में अगर दो सेम फैक्टर हैं तो एक फैक्टर बाहर आएगा. अभी मैंने बताया क्यों, क्योंकि 13 का स्क्वायर हो गया. स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर में भी किया होगा आपने 6th क्लास में. तो इस तरह से हमारे पास आ गया इसका आंसर 13 सेंटीमीटर्स.